मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पैड सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारी कमाई है, ये जनता का विश्वास है। इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी अफवाह फैला लो, आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं आप लोगों को वादा कर मैं आप सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं आप सबके सामने, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ का धमका के मांगोगे तो मिलने वाले नहीं है। लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं आप पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए है, राजनीति सिर्फ पद पर बैठने के लिए है। नौजवान दर दर भटकता रहे, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी आना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी ना हुआ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है, जनता ने आरोपों को स्वीकार किया और भाजपा को मैदान से हटा दिया। ये भ्रष्टाचारी वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। हमने भी किया था राजस्थान।